चंद्रकेश्वर बांध पर स्वर्गीय गोविंद घोसिया की स्मृति में चल रही भागवत कथा में परम पूज्य गुरुदेव भागवत किंकर ज्योतिषाचार्य पंडित संजय कृष्ण त्रिवेदी जी द्वारा गोपी गीत का महत्व सभी भक्तों को समझाया गया। राधा कृष्ण रासलीला रुक्मणी विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथ ही कथा में गोवर्धन पूजा का भी महत्व बताया गया व कथा में नाथ द्वारा स्वरूप ख्याति भी बनाई गई। हजारों भक्तों द्वारा इस कथा का श्रवण करा जा रहा है। सुन सुन नाचे राधा रानी, सुन कर पीछे मुरलिया हो। सुन सुन नाचे राधा रानी, सुन कर पीछे मुरलिया हो। शाम छवि पर सब मलिहारी, गोपी ग्वाल उरे भैया हो। श्याम उनके गुणों से उनको पुकार रही है। आ जाओ कृष्ण, हम तेरा ही चिंतन कर रही हैं, हम मरी हुई हैं तेरे नेह से। न यह बदह तेरे नजरों से, तेरे नेत्रों ने हमको मारा। मरे हुए को मारने में कोई लाभ नहीं कृष्ण। हमें इस जंगल में आधी रात को बुलाकर हमको मार डालना है अगर, तो कोई जी रहा हो उसको मारना। हम तो पहले से मरी हुई हैं और मरे हुए को मारने में कहां बहादुरी है। किसी से पूछ कि जो एक बार तेरे तिरछे नेत्रों को देख ले, क्या वो जी रहा है? वो तो मरा हुआ है। हमने क्या मांगा तुझसे आज तक? तेरी सेवा ही भर हमने की है, कुछ मांगा तुझसे? तेरा वैकुंठ, तेरा साम्राज्य, अरे और तो छोड़ो, हमने तेरी कृपा भी नहीं मांगी। हम तेरी अशुल्क दासिका हैं, गारंटी से कहने वाली गोपियां ही हैं केवल, ऐसी भक्ता जिन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। दिया ही है जिसने कृष्ण को, कभी लेने की आशा नहीं रखी। स्वयं का शरीर मिटा कर भी यदि कृष्ण सुखी रहे तो वह कार्य गोपियों ने किया। एक ऐसी कथा भी आती है।